गुड मॉर्निंग एवरीबडी, लेट्स टेक द लास्ट फ्यू श्लोक्स ऑफ द श्री भगवद गीता फॉरवर्ड। भगवान कह रहे हैं, सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है। ही सेड, मैं इससे बढ़कर और क्या ज्ञान तुम्हें बताऊँ। सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मैंने तुझे दे दिया है कि तू मेरे शरणागत हो जा। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसे चाहता है वैसे कर, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए ये तेरे हित की बातें मैं करूँगा। मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरा अत्यंत प्रिय है। सिंह, आई प्रोमिस टू यू कि तेरे साथ यही होगा, ये सत्य प्रतिज्ञा करो, मैं करता हूँ और तू मेरा अत्यंत प्रिय है। बिकॉज आई लव यू सो मच, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़, तू बाकी सब कुछ छोड़, केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ही सेज दैट जिंदगी में इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है कि तू मेरे शरण में आ जा। अगर आप मेरे शरण में आ जाओ तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, चिंता ख़त्म हो जाती है। आई गिव यू दिस वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। वी आर अबाउट 20 lakhs less of a certain target and we have about 5 days left and I've been telling my people कि यार 5 दिन बचे हैं, कैसे भी करो। अब मुझे नहीं पता है how will you manage, we have to do 20 lakhs more, नहीं तो इस महीने का टारगेट रह जाएगा। एंड देन आई टोल्ड एवरीबडी, आई सेड एक काम करो, तुम तो अब बस जय श्री कृष्ण करना शुरू करो, क्योंकि अब वही है जो तुम्हें पार लगा सकते हैं। वी डोंट हैव एनी मेजर ऑर्डर्स पेंडिंग एंड ट्रस्ट मी ऐसा हो जाएगा। इनफैक्ट देयर इज अ टेंडर ऑन जेम, वो बार बार जब बिडिंग हो रही थी तो कोई जो दूसरी पार्टी थी वो बार बार 1000 रुपये कम, 1500 कम, 2000 कम करती जा रही थी। और माई पीपल वर सेइंग, मैम इतना बड़ा ऑर्डर है, कुछ तो करो। वो आदमी बस लंच पे चले जाए, वो आदमी बिड करना छोड़ दे, उसका इंटरनेट ख़राब हो जाए। ऐसे मत करो, तुम हीन भावना मत दो, अच्छी भावना से सोचो। तो उन्होंने कहा, मैम अपन क्या करें, क्योंकि ये जो बिड है अनलिमिटेड है और वो 1.5 दिन से चलती जा रही है। और जो बच्चा कंप्यूटर के सामने बैठा था वो हैरान परेशान हो रहा था कि मैं थक गया मैम। सो आई सेड, कितना समय बचा है? सेड, मैम आखिरी के 10 मिनट है, और जब 10 मिनट बचते हैं वो इवेंचुअली हमेशा चेंज कर जाता है। इवेंचुअली वो दूसरा 200 रुपया 500 रुपया करके कम डाल देगा और ये वापस अगले 20 मिनट तक लाइव हो जाएगा। मैंने कहा, एक काम करते हैं, अब तू और मैं मिलकर जय श्री कृष्ण करते हैं। और ट्रस्ट मी, ऐसे हुआ। इट वॉज सो अमेजिंग दैट इन दैट स्मॉल लिटिल केबिन महिंदर जो थे, जो बिड कर रहे थे फॉर आर प्रोडक्ट, वो और मैं बैठे बैठे जय श्री कृष्ण कर रहे थे। एंड उस आदमी ने नया फिगर डाला ही नहीं, एंड वी वन द ऑर्डर। ट्रस्ट मी, आप लोग विश्वास नहीं करते एंड यू थिंक दैट भक्त थोड़े साइक्ड होते हैं, एंड स्पेशली द यंग पीपल, दे थिंक व्हाट नॉनसेंस। इवन माय सन डजंट बिलीव विद मी इन मी, बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू डू दिस, जब आप भगवान के शरणागत हो जाते हो, जब उनसे कुछ मांगते हो और कहते हो कि बस भगवान अब मेरी ज़िंदगी तेरे हाथ है, विद कम्प्लीट ट्रू फेथ, मिरेकल्स होते हैं। मैंने तो आपको 2 छोटे एग्जाम्पल दिए इन माई ऑफिस, एंड अगली बार जब मैं आऊँगी मैं आपको बताऊँगी कि मेरा टारगेट पूरा हो गया। ऑलराइट, सो लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड। कहने का मतलब है, सच में भगवान ने हमें अल्टीमेट ज्ञान दिया है। द प्रॉब्लम इज वी डोंट ट्रस्ट हिम एंड वी डोंट बिलीव इन मिरेकल्स, बट ही डज इट। यह सर्व गुणोत्तम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं करना कहना चाहिए। देखिए, ये बड़ी खूबसूरत बात है, एंड दैट्स वाई मैं कभी भी श्री भगवद गीता ऐसे रैंडमली सुनाना नहीं शुरू करती हूँ। आई डोंट डिस्कस इट विद माई फ्रेंड्स इन अ पार्टी, यू विल नेवर सी मी टॉकिंग अबाउट कृष्ण। बिकॉज देखो, भगवान क्या कह रहे हैं कि जो सीक्रेट ज्ञान है ये तुम अतपस्वी को नहीं बोलो, अभक्त को तो कभी नहीं कहना चाहिए, जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए। अगर पात्रता ही नहीं है तो किसी को सुनाकर आप क्या करेंगे? और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसको तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए।
अगर मैं आपको कृष्ण के बारे में बोलूं और अगर आप सुनने को ही राजी नहीं और आपको कृष्ण पे ही विश्वास नहीं और आपकी दृष्टि में दोष है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर एटीट्यूड. आप कभी भी श्री भगवद गीता के ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. मुझमें पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इससे कोई संदेह नहीं है. सो आई एम काइंड ऑफ इनकरेज्ड. वो कह रहे हैं कि परमात्मा की जो भक्ति करता है और इस सीक्रेट डायलॉग को जब वो मेरे भक्तों में बताएगा तो वो मुझे ही प्राप्त होगा. आई होप एंड प्रे आप लोग जो सुन रहे हैं वो कृष्ण भक्त हैं, और शायद क्या भगवान ऐसा कह रहे हैं दैट व्हेन आई एम टीचिंग यू दिस परम ज्ञान तो मैं उन्हीं को प्राप्त हो जाऊंगी. बट ऑल ऑफ यू गीता साधक्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर हम कृष्ण की बात नहीं भी सुनना चाहते तो आप सोचिए कि अगर श्री भगवद गीता से आपका इतना भला हुआ है, यू लर्न सो मच, यू हैव माइंड कंट्रोल, क्यों ना आप इस वर्ड को सबको स्प्रेड करें, क्यों ना आप सबको बताएं कि श्री भगवद गीता के सुनने से क्या बेनिफिट है. अगर आप खुद सिखाएं तो इससे खूबसूरत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं सिखा सकते तो कम से कम लोगों को अट्रैक्ट तो करिए, उनको बताइए तो सही कि श्री भगवद गीता सुनने के क्या एडवांटेजेस हैं. पिकअप द फ़ोन राइट नाउ एंड सेंड दिस लिंक टू अ होल लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ योर्स एंड टेल देम टू लिसन टू द श्री भगवद गीता. इससे परम कल्याण होता है एंड इट्स सच एन अमेजिंग फीलिंग व्हेन यू गिव टू दिस यूनिवर्स, द यूनिवर्स गिव्स बैक टू यू. एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन राइट साइंटिफिकली. सो अगर आप लोगों को श्री भगवद गीता सुनाएंगे और उनकी जिंदगियाँ बेहतर होंगी, इट विल कॉज रिपल इफेक्ट. आपके भी कर्म अच्छे होंगे और आपको भी इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा. उसके सामने मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है और इस भूमंडल पर इसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा. कहते हैं कि दैट अ पर्सन हु टीचेस द श्री भगवद गीता हु स्प्रेड्स द वर्ड, उससे अत्यंत प्रिय मनुष्यों में और कोई भी नहीं है. दैट आई रियली रियली लव हिम. और कह रहे हैं इस भूमंडल में उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा. दैट पर्सन इज़ मोस्ट डियर टू मी. इस पूरे भूमंडल में मैं उसी को प्यार करूँगा जो श्री भगवद गीता का ये डायलॉग सबको सुनाएंगे. जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है. इसे जो इसका अध्ययन करेगा तो ज्ञान उसको ज़रूर ज़रूर प्राप्त होएगा. श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को ही प्राप्त होगा. ही सेइंग कि चलो आप नई वर्ड स्प्रेड करना चाहते, सबको नहीं बताना चाहते, लेकिन अगर एक अच्छे भाव से आप सुन भी लोगे, श्रवण भी कर लोगे, तो जब आप मरोगे तो आप पुण्य लोकों में ही जाओगे. हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? देखिए अर्जुन को कह रहे हैं, कितना खूबसूरत है, वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा अज्ञान है क्या ये नष्ट हो गया, तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है. मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है. माय हेड स्पेस इज राइट नाउ. मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ. मेरे दुनिया के सारे संशय, सारे संदेह सब हट गए हैं. आपकी आज्ञा का मैं अब पालन करूँगा. नाउ व्हाट एवर यू से आई विल डू, आई एम कन्विंस्ड. संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का ये रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना. संजय कांट बिलीव इट. ही सेज कि यार मैं कितना ब्लेस्ड हूँ. ये कितना एक्साइटिंग डायलॉग था, कितनी इंटरेस्टिंग बातें थी, ये परम ज्ञान. आई एम जस्ट सो प्लेन लकी, आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई वॉज हियर टूडे एंड आई वॉज ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग एंड टेलिंग धृतराष्ट्र, देखो मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मैंने ये क्या सुन लिया. वो रोमांचित हो रहे हैं, वो एक्साइटेड हो रहे हैं. व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है. सिंग व्हाट कुड बी मोर पावरफुल एंड मोर ब्लेस्ड देन दिस, कि
वेद व्यास जी ने मुझे, क्योंकि ये ज्ञान के चक्षु दिए, दीज अमेजिंग आई साइट, जिससे मैं यहाँ बैठा बैठा युद्ध में जो हो रहा है उसको देख पा रहा हूँ, मैंने कितना गजब का ज्ञान पा लिया है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। ही सिंह दैट आई एम सो सुपर एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, मैं हर्षित हो रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा हाउ टू हैंडल इट, आई एम सो ओवरवेल्म्ड। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के इस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। इट इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग दैट यू एबल टू सी दिस विराट रूप। हमने तो उसका डिस्क्रिप्शन ही सुना है। इमेजिन संजय की अभी मनोस्थिति क्या होगी जब वो याद कर रहे हैं कि आई वॉज सो ब्लेस्ड कि मैंने वो विराट रूप देखा, कृष्ण के सिवाय, अर्जुन के सिवाय उस युद्ध भूमि पर और कोई नहीं देख पाया था इस विराट रूप को, लेकिन संजय देख पाए थे। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत विराट रूप को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, हर्षित हो रहा हूँ। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ गांडीव धारी धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ही सिंग वे द टू ऑफ दीज पीपल, इनका जो डायलॉग है, जब ये लोग साथ आते हैं, श्री भगवान और गांडीव धनुषधारी अर्जुन, वहाँ पर ही श्री विजय श्री विभूति और अचल नीति है, एक अमेजिंग पॉलिसी का ज्ञान हमें दे डाला, एक अमेजिंग लाइफ लेसन हमें दे डाला। जहाँ ये दोनों हैं, सब कुछ श्री है, सब कुछ शुभ है, सब कुछ खूबसूरत है। दिस वॉज द लास्ट श्लोक ऑफ द श्री भगवद गीता। आई कोमल आहूजा बेग योर फॉरगिवनेस अगर मैंने ऐसा कुछ भी आपको बोला जो सही नहीं था। आई एम अ ह्यूमन बींग, आई डू मेक मिस्टेक्स, यूल हैव टू फॉरगिव मी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वे जितना सा मेरा मैं सक्षम थी, वो सब कुछ मैंने आपको सिखाया है। एंड आई होप एंड आई प्रे यू डोंट जस्ट एंड इट हियर। श्री भगवद गीता एक बार में समझ नहीं आती है, इस चैनल पे सारे के सारे वीडियोज़ नंबर्ड हैं, आप वापस से वन पर जाइए, उसको सुनिए और बार बार सुनिए, एंड यू कीप मूविंग फ्रॉम वन वीडियो टू द अदर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक श्योर आई गेट बैक टू यू, एंड आई विल टेक अ सबैटिकल नाउ फॉर सम टाइम अंटिल आई कम बैक अगेन विद द सिनॉप्सिस ऑफ एवरी चैप्टर, सो दैट जो ये लंबी चौड़ी श्री भगवद गीता सुनने का पेशेंस नहीं रखते हैं, उनको कम से कम इन चैप्टर्स का सिनॉप्सिस तो समझ में आ जाएगा। जय श्री कृष्ण।